May I come in, sir? Yes, please come in, come in. Please give me the code. Thank you, sir. आपने अपना कोड देख लिया? जी सर। क्या है कोड आपका? 1930। यह किस विभाग का हेल्पलाइन नंबर है? यूपी का? यूपी का साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी का। यूपी के सामने साइबर चैलेंजेस क्या क्या हैं? साइबर सिक्योरिटी चैलेंज। साइबर सिक्योरिटी सर, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है पीपल में, दूसरा है कि सर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, तीसरा है कि हमारी टेक्नोलॉजी भी अभी इतनी हाई नहीं है, और सर अभी भी जो है जन जागरूकता कार्यक्रम जो है अभी भी पब्लिक लेवल पे जो है इतने इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। उपदेश? जी सर। महात्मा बुद्ध के क्या उपदेश थे इस मानवता के लिए? सर उनका यही है कि एक तो जो कल्याण का जो है जो मध्यम मार्ग है उसके लिए आप जन कल्याण का लिए मध्यम मार्ग जो सर्व उचित मार्ग उन्होंने बताया कि यही माध्य जो है जो अति से और कमी से के बीच का जो निकलता है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन नॉन अलाइंड समिट जी सर इसी महीने जनवरी में जी सर कौन से देश में होने जा रहा है और किस तारीख में है? सॉरी क्या ड्यूरेशन है? ध्यान नहीं सर। नहीं मालूम आपको? आप बी एड है जी सर। इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा, बच्चा जब परिवार में आता है जी सर तो माता पिता और भाई बहनों के माध्यम से ही सीख पाता है, तो फिर ये औपचारिक शिक्षा क्या है? सर औपचारिक शिक्षा में कि एक एक अनुशासन है, दूसरा है कि वहाँ पे एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत हम एक दूरदृष्टि उसमें विकसित करते हैं, दूसरा है कि हमारे देश को किस प्रकार के यूथ की या किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है उसके माध्यम से हम उसके अपने उद्देश्यों की पूर्ति कहीं ना कहीं करते हैं। गंगा का क्या महत्व है उत्तर प्रदेश के लिए? सर कई महत्व है, एक तो सांस्कृतिक महत्व है कि गंगा को पौराणिक नदी माना जाता है, दूसरा है कि ये तराई प्रदेश से निकलती है तो जो कृषि के लिए काफी उपयोगी है, तो सिंचाई व्यवस्था में धार्मिक धार्मिक लिहाज से भी है। जी सर सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक। जी सर ठीक है, बोलिए प्लीज बोलिएगा। और सर जो सिंचाई जो नहरें हैं जो खासकर जो मुरादाबाद है और बिजनौर है अमरोहा है इस यहाँ की जो सिंचाई है इस पर काफी निर्भर है, खासकर निचली गंगा नहर जो अलीगढ़ ये इटावा इस यहाँ पर भी इसका। फिजिक्स आपका अपना डोमेन सब्जेक्ट है, क्वांटम डॉट्स क्या फिजिक्स से रिलेटेड है? जी सर क्वांटम डॉट्स। जी सर क्वांटम मैकेनिक्स। किसको मिला था नोबेल प्राइज क्वांटम डॉट्स पर मिला है? इसलिए खेल कौन सा खेलना पसंद करते हैं? सर मैं कोई ज्यादा खेल नहीं खेलता लेकिन कभी कभी क्रिकेट खेल लेता हूँ। कभी कभी वो भी आपको हम एक स्पोर्ट्स मंत्रालय दे देते हैं जी सर, सरकार आपको दे देती है जी सर, तो आप कौन सा खेल खेलना पसंद करवाएंगे अपने नागरिकों को? क्रिकेट। क्रिकेट जी सर। क्रिकेट क्यों अच्छा लगता है आपको? सर उसमें एक तो जो टीम भावना की तरह होती है उसमें टीम की तरह हम खेलते हैं, किसी मैच को जीतने के लिए हम एक टीम के रूप में ही सफल होंगे तो जब पूरी टीम की तरह प्रयास होगा, और दूसरा है कि जो एक्सरसाइज है वो भी। फुटबॉल में टीम नहीं होती, वहाँ टीम भावना नहीं होती क्या? जी सर होती है लेकिन मेरी रुचि रहेगी। रुचि आपकी बहुत अच्छा था, थैंक यू सर। उपदेश जी अभी ट्रक ड्राइवर्स का हड़ताल चल रहा था, क्यों चल रहा था? सर जो अभी भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है BNS 2 उसमें एक प्रावधान किया है कि धारा 104(2) के तहत यदि कोई ड्राइवर किसी हिट करके किसी को छोड़कर भाग जाता है बिना सूचित किए किसी पुलिस अधिकारी को तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। कुछ और भी है इसमें 10 साल की सजा के अलावा? तो जुर्माना है। कितना है? ध्यान। अच्छा पहले कितने वर्ष कारावास का प्रावधान था? सर पहले जो था 2 साल का था, 279 धारा थी जो भारतीय दंड संहिता की उसके तहत। अच्छा अभी जो अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है राम मंदिर निर्माण का, इसका यूपी के लिए क्या महत्व है? सर कई प्रकार से मतलब एक तो कल्चरल इकोनॉमी डेवलप होगी, एक तो हम टूरिस्ट बढ़ेंगे जिससे कि टूरिज्म होगा, एक होटल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, होटल इंडस्ट्री के साथ इन्वेस्टमेंट भी सर आएगा क्योंकि जब एक इम्पैक्ट पड़ेगा एक आकर्षण का केंद्र बढ़ेगा तो सर इम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और जो क्वालिटी लेवल है वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड वो भी बढ़ेगा उससे। निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अभी क्या प्रयास कर रही है? कई लेवल पर प्रयास कर रही है, एक तो
कि एक तो कानून व्यवस्था के लेवल पर हम प्रयास करें कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ताकि शांति व्यवस्था बन रही, जिससे निवेश ज्यादा आए। दूसरा है कि एक इन्वेस्ट यूपी करके संगठन बनाया हमने। दूसरा भी हमें हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किए यूपी में, जिसमें कि 33.50 लाख करोड़ का निवेश आया है। तो इसके अलावा भी सर हम कौशल विकास को ज्यादा महत्व दे रहे हैं ताकि कंपनीज हैं वो यूपी के यूथ को लेकर अट्रैक्ट हों, और यूपी कौशल विकास मिशन इसमें चल रहा है। निवेश किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? सर नवीकरणीय ऊर्जा में। नवीकरणीय ऊर्जा में उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी की क्या संभावनाएं हैं? सर कई संभावनाएं, जैसे कि जो बुंदेलखंड का इलाका है वहाँ पे जो सौर ऊर्जा की कई संभावनाएं हैं। दूसरा है कि जो तराई रीजन है यहाँ पे हवा का है, तो विंड एनर्जी काफी है की संभावनाएं हैं। दूसरा जल विद्युत ऊर्जा की, अभी भी हम अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए, केवल लगभग 2% के आसपास ही हम जल विद्युत ऊर्जा हमारा है। और कुछ? जी सर। उत्तर प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण बांध है, डैम? जी सर कई। सर यदि बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाए तो महोबा बांध है, महोबा में अर्जुन बांध है, और यहाँ जो बिजनौर की तरफ कालागढ़ डैम है, और कई और सभी इतनी रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है। ईदगाह का नाम सुना आपने? ईदगाह क्या है ये? सर जो मस्जिद होती है यहाँ, अभी मथुरा में एक जगह बहुत चर्चा में था, क्या विवाद है वहाँ? सर उसमें ये आरोप लगाया कि वो जो जन्मभूमि है, जो ईदगाह है वहाँ पे पहले जो प्राचीन स्थल है वो किसी दूसरी संस्कृति या हिंदू संस्कृति का है, तो उसको लेकर कि उसकी सर्च किया जाए इसके लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, ये सही या गलत है? सर इसका महत्व हमें आनुपातिक महत्व देखना चाहिए, अगर सांस्कृतिक आर्थिक महत्व, अगर सांस्कृतिक क्योंकि इसमें खर्चा होता है हमें, क्योंकि राजस्व की हानि होती है, लेकिन यदि सांस्कृतिक महत्व ज्यादा है या उसका कोई पौराणिक इतिहास रहा है या ऐतिहासिक रूप से उसका नाम रहा है, तो मेरे ख्याल से चेंज करना सही है। अच्छा ये बताइए, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होता है GSLV, तो इन दोनों में फर्क क्या है? सर मैं जहाँ तक ध्यान कर पा रहा हूँ कि PSLV में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि GSLV में द्रव ईंधन का भी प्रयोग किया जाता है ठोस के साथ साथ। उसमें 4 इंजन होते हैं ठोस के साथ साथ। और कोई अंतर? सर उसमें बूस्टर ज्यादा लगे होते हैं, जो रॉकेट को हमें छोड़ने के लिए जो बूस्टर का यूज करते हैं उसमें ज्यादा होते हैं। एक छोड़ रहा है पोलर सैटेलाइट, एक छोड़ता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ये दो अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट भी, ये भी एक अंतर है, तो इन दोनों प्रकार के सैटेलाइट्स में क्या फर्क होता है? सर जो जियोसिंक्रोनस में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो हमें 120 डिग्री जो ऑलमोस्ट पूरे जहाँ तक मैं ध्यान कर पाऊँ सर अप्रोक्सली 120 डिग्री का हमें इमेज दिखाता है, जबकि जो पोलर सैटेलाइट है वो हमें 120 का नहीं दिखा पाता। अच्छा ये बताइए, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर हम नेशनल क्वांटम मिशन की हम जो क्वांटम कंप्यूटर है उसको विकसित करने के लिए हमने एक मिशन किया है कि क्वांटम कंप्यूटर में हम अपनी क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। क्या होता है क्वांटम कंप्यूटर? सर क्वांटम कंप्यूटर जो क्वांटम डॉट्स हैं उनके ऊपर काम करता है, जो श्रोडिंगर और इसका जो सिद्धांत है इसी सुपर सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि अभी चंद्रयान 3 के संदर्भ में आपको तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट ये सुनने को मिला होगा, तो ये क्या चीजें हैं? सर शिव शक्ति पॉइंट जहाँ पर जो चंद्रयान 3 लैंड किया है उसको हमने नाम दिया है। और तिरंगा पॉइंट? उपदेश, मुरादाबाद के आसपास के कुछ सांस्कृतिक स्थलों के नाम बता सकते हैं? सर एक तो मुरादाबाद में ही है जैसे हाजी बरा की दरगाह है, और जामा मस्जिद है जिसे रुस्तम खान ने बनवाई थी जो पूर्व सूबेदार है मुगल काल के, और सर रामपुर में भी जो नवाबी का जो किला है वो पुराना, और हापुड़ में ये गढ़मुक्तेश्वर है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेला लगता है। अच्छा गंगा नदी आसपास से गुजरती है? सर राम गंगा गुजरती है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक योजना एक चलाई गई है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक योजना, कुछ जानते हैं इसके विषय में?
ये अंत है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है? सब COVID-19 में जो ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों जो नहीं रहे हैं उनके लिए 4,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ये बताइए, अभी असम में शांति समझौता हुआ है, दिल्ली में हुआ था ये समझौता, ये समझौता किसके साथ किया गया, क्या था ये, क्या था जो ये समझौता स्पेशली किया गया, त्रिपक्षीय समझौता केंद्र सरकार असम सरकार और उल्फा के बीच में, क्या कारण था इसका? तो जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, वो जो उनके जो अधिकार है वहाँ की जो जनजाति हैं वो अपने अधिकारों को लेकर सशंकित थे, जो असम में जो खासकर जो बाहरी लोग हैं या जो शरणार्थी हैं उनके साथ, तो उन्हीं को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट उनका रहता था, तो उसी को लेकर हुआ। कौन है इस ग्रुप का लीडर, कौन है उल्फा के लीडर, कौन है? ध्यान नहीं है। जब आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है, आज किस महान भौतिक विज्ञानी का जन्म दिवस है? थैंक यू।